दो देवियां जमुना जी के उस पार से रोज वृंदावन में दूध दही बेचने आती और घर से बासी दाल रोटी लेकर आती। लौटते समय जमुना जी किनारे वहीं बैठकर वो दाल रोटी खाती, अपने अपने घर चली जाती। इन दोनों देवियों का नाम था चंपा और चमेली। चंपा चमेली, एक का दूसरी का नाम चंचला, चंपा और चंचला। रोज की तरह दही दूध बेचकर लौट रही थी, रहती थी भगवान के भाव में। दधि को नाम बिसर गई ग्वाल, हरी लो बोले श्याम मनोहर डोरे, कोई श्याम मनोहर डोरे, ओ कोई श्याम मनोहर कोई श्याम मनोहर। ये देवियां बैठकर चर्चा करने लगी। चंपा ने चंचला से कहा, बहन भगवान होते हैं, तुमने देखे हैं, अब जरा ध्यान से सुनना। भगवान की चर्चा तो हम लोगों में भी होती है। क्यों भाई, होती है? हम लोग कितने कितने तरह की बातें करते हैं, वो ऐसा है, वो व्यापक है, वो तो निराकार है, वो तो सबके भीतर है। सगुण साकार है, हमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद हैं भगवान के बारे में। जाने कितने तरह की हम चर्चा करते हैं, लेकिन इन बिना पढ़ी लिखी दो देवियों की बात सुनो। चंचला बोली, भगवान तो होते हैं, तो तुमने देखे? नहीं, कहां होते हैं? का साधुओं की झोली में होते हैं। साधु लोग सवेरे स्नान करके जिनकी आरती करते हैं, वही तो भगवान होते हैं, कोई और थोड़े ही होते हैं। कितना सरल विश्वास। चंचला के आंखों में आंसू, चंपा के भी आंखों में आंसू। कभी संत कृपा करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। और ये चर्चा करी नहीं तब तक एक महात्मा उधर से दिखाई दिए आते हुए, वैष्णव महात्मा, झोली कंधे से लटकी, हाथ में पीतल का कमंडल लिए, ऊर्ध्वपुंड तिलक, जटाजूट। चंचला बोली, महात्मा तो आ रहे हैं, वो तो कौन अपने को भगवान दिखाने आ रहे हैं। चलो आज महात्मा मिले हैं, किसी दिन भगवान मिलेंगे। पर महात्मा आए तो जमुना किनारे अपनी झोली रख दी, वस्त्र उतारे, गमछा लपेटा, जल भरा कमंडल में, और शौचादि से निवृत्त होने चले गए। चंपा ने कहा कि बहन, महात्मा तो शौच के लिए गए हैं, लेकिन ये झोली तो यहीं रखी है, भगवान इसी के भीतर तो होंगे, और कहीं महात्मा आ गए तो? अरे अभी देर लगेगी उन्हें, और मैं उधर देखती रहूंगी, जैसी दूर से आते देखेंगे मैं तुरंत इशारा कर दूंगी। ठीक है, चंपा तो गई उधर देखने लगी। चंचला ने झोली खोली,
अब साधु की झोली में क्या मिले? रामायण, गीता, तुलसी माला, गोपी, चंदन, सब बिखेर दिया हो, भगवान ना मिले। तब तक एक छोटा डिब्बा मिला और डिब्बे का जो ढक्कन खोला, डटे डबा में लालजू रहे मंद मुस्काए, एक गुलाबी रेशमी रुमाल, उसमें लाल जी बैठे, लड्डू गोपाल ये बैठे ना बैठे। निकाला, एक वस्त्र बिछा दिया और उसी पे भगवान को बिठाया और भगवान से कहा कि प्रभु अब आप डिब्बे से बाहर आ गए हो, अब हाथ पांव सही कर लो, खड़े हो जाओ। अब भगवान तो जैसे थे वैसे ही थे, कहने लगे कोई बात नहीं, हमसे पहले पहली बार मिले हो, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पांव ठीक करके आराम से खड़े हो जाओ। अब भगवान ना हो में अवसर शून्य सा अन्न पाए, देवी चंचल ने झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं, देख बाल रूप बिन मूल ही बिकाए, ही लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं, प्रभु के कर पंकज, प्रभु के कर कमल पद पंकज, बिलो की वक्र द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं, डिब्बा माहे राख राख कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये डिब्बा में ही रखता है भगवान को, निकलने नहीं देता, इसीलिए हाथ पांव टेढ़े हो गए, आंखों में आंसू भर आए कि भगवान देखो कितने मजबूरी में रहते इस डिब्बा में, अब हाथ पांव कैसे। तो मक्खन था मटकी में, माखन लगाया और हाथ पांव को सीधा करने की चेष्टा करने लगी, और भगवान ने जब इतना भाव देखा, भाव वश्य भगवान आम भक्त पराधीन, माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दो कर दए सूधे अवध किशोर। भगवान के कर कमल चरण बिल्कुल सीधे हो गए, भगवान खड़े हो गए। चंपा से चंचला ने कहा कि आजा भगवान मिल गए, चंचला दौड़ी दौड़ी आई, दो फूल तोड़ लिए, भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, प्रभु मैं आपका दर्शन कर सकी लेकिन अब मैं जल्दी जाऊं, महात्मा आते होंगे। गई और चंचला भी आंसू बहा रही, चंपा भी आंसू बहा रही, भगवान मिल गए। और चंपा जब तक गई तब तक दूर से महात्मा आते हुए दिखाई दिए, सो चंपा बोली बहन जल्दी कर महात्मा आ गए महात्मा। तो चंचला ने वो भगवान को जो डिब्बे में बिठाया, सो पहले तो टेढ़े मेढ़े थे तो बन जाते थे, हो गए खड़े, अब डिब्बे का ढक्कन न लगे और सुलाएं तो डिब्बे में बने नहीं। तो चंचला बोली प्रभु अब आप जैसे डिब्बे में पहले बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। भगवान भी मन ही मन बोले कि हम भी बहुत दिनों में खड़े हुए हैं, जल्दी बैठेंगे नहीं। और इसी प्रयास में भगवान बैठे नहीं, तब तक महात्मा आ गए और महात्मा ने देखा कि हमारा सब सामान फैला पड़ा। और अब महात्मा को क्रोध तो बहुत आवे पर मौनी मौन रहते थे जब तक स्नान न कर ले। अब मौनी आदमी का गुस्सा तो और, पर ये देवियां भी खड़ी हो गई और साधु ने जैसे ही स्नान किया पलट कर देखा तो भगवान खड़े। और महात्मा ने जब ये चमत्कार देखा कहा आज तो प्रभु दर्शन दे रहे हैं, तो महात्मा ने स्नान के बाद जो दंडवत किया और भगवान का हाथ लगा, महात्मा का हाथ भगवान को लगा, भगवान फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। चंचला रोते हुए अपनी सहेली चंपा से बोली कि देखा साधु का हाथ लगते ही भगवान फिर टेढ़े हो गए, ये महात्मा अकेले में इनको डांटता पीटता होगा, डांट कर रखता होगा, इसलिए तो भगवान डरते हैं, देखो डर के मारे डिब्बे में बन गए। साधु आंसू बहाते हुए झोली लेकर जा रहे थे और देवियां कह रही थी निगुरे तोह दया नहीं,
या नहीं आई। अरे निगुड़े तो है दया नहीं आई, निगुड़े तो है दया नहीं आई। संत बनो घर घर में डोले, जाने का पीर पराई निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो है दया तो दया। जाने कब सो या डिब्बा में राखे शिशु रघुराई, अंग अंग किए वक्र बावरे साधु बनो आतताई, निगुरे तो है दया नहीं तो है दया नहीं तो है दया नहीं। दोनों देवियां आंसू बहाते अपने अपने घर को गई और महात्मा जा रहे थे और सोचते जा रहे थे। प्रभु सो करी नेह तजे निज गेह, और बेस विराग में कूदे भये, ब्यान समान को कोमल कंठ में रूंधे भये, तीरथ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भये, अमो टेढ़े राम लला जू रहे अवला अनजान पे सूधे भय, भगवान आप मेरे लिए टेढ़े ही रहे पर अवलाओं के लिए आप सीधे हो गए। भगवान ने कहा संत दुखी मत हो, मेरा स्वभाव है कि मैं सरल के लिए सीधे के लिए बहुत सीधा बन जाता हूं पर टेढ़े के लिए टेढ़ा ही रहता हूं, उतनी सरलता तुम में नहीं है इसलिए तुम्हारे लिए इस रूप में हूं, और जिसमें इतनी सरलता होती है उसके लिए मैं इतना ही सीधा बन जाता हूं सरल बन जाता हूं। इसलिए भगवान से नाता जोड़ना हो तो भगवान सरल के साथ नाता जोड़ते,